वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अक्षरों का महत्व पाठ, जो कि गुणाकर मुल्ले जी द्वारा लिखा गया है, इसकी व्याख्या करेंगे। प्रिय छात्रों, हमने पहले वीडियो में इसके संक्षिप्त वर्णन किया था, जो कि अवधारणा मानचित्र की सहायता से हमने उसको समझा। अब हम इसका विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। हाँ जी बच्चों, ये पाठ शुरू करने से पहले आप ज़रा सोचिए कि आपके घर में या आपके आसपास अगर कोई छोटे बच्चे हैं जिनको कि बोलना नहीं आता, तो वो अपने भाव कैसे प्रकट करते हैं? आप इशारे से करते हैं, आप उनके इशारे समझते हो, वो कुछ इस तरह के एक्शन करते हैं कि हम समझ जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सोचिए कि जब हमारे इतिहास में कोई भी अक्षर नहीं था, कोई अक्षर को नहीं जानता था, उस समय मानव किस तरह अपने भावों को प्रकट करता था? जी हाँ, कितना मुश्किल है ये काम कि अगर आपको कोई कुछ बोलना ना आता हो, आपको कुछ अक्षरों का ना पता हो, तो आप कैसे अपने भावों को प्रकट करते हैं? तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है बच्चों। अक्षरों की खोज है वो 5000 वर्ष पहले हुई थी। अक्षरों की कहानी है ये पुस्तक, अक्षरों से बनी है। आप पुस्तक पढ़ते हो, वो अक्षरों द्वारा ही बनी गई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तो आप पुस्तकों से कितना ज्ञान लेते हो, आप अपने आसपास की बातों को सुनते हो। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता हो तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। बच्चों, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों सालों तक केवल जानवर वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। केवल इस धरती पर जानवर और वनस्पति ही रहे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। बच्चों, इस पाठ में 2 युग बताए गए हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक युग में वह युग है जिसमें कि इतिहास नहीं लिखा गया। उस समय सिर्फ चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए जाते थे, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे कि छोटे से वृत्त के चारों ओर किरणें लगा दी जाती थी। ठीक है, आप सूरज बनाते हो, जब ड्राइंग करते हो तो उसके चारों तरफ लाइनें लगा देते हो, उसको कि हिंदी में रेखाएं कहते हैं, रेखाएं खींच देते हो, जिससे सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र गर्मी धूप का द्योतक बन गया कि हाँ, अगर वो चित्र बनाए तो इसका मतलब है कि गर्मी बहुत है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल, 6000 साल पहले से मानव केवल अपने संकेतों और भावों द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट करता था, या वह अपने चित्र बना देता था। अलग अलग तरह के चित्र बनाकर वो अपनी बातों को बता देता था। इस प्रकार जब नया युग शुरू हुआ, नया युग कब शुरू हुआ बच्चों? जबकि अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के बाद नया युग शुरू हुआ। उस समय मानव सभ्य बन गया,
वह सभ्य कहलाने लग गया। उस युग को सभ्यता का विकास कहलाने लगा कि उस समय सभ्यता का विकास हुआ है। अतः हम देखते हैं, यदि आदमी अक्षों की खोज नहीं करता तो आज इतिहास को कभी भी ना जान पाता। वो उसको पता ही नहीं चलता कि हमारे पिछले पीढ़ी क्या करती थी, वो किस तरह के काम करती थी। तो इस तरह उनको एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों के इतिहास का विकास हुआ। हम देखते हैं कि अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो इतिहास को भी हम नहीं पा सकते थे। हमें कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारे इतिहास में क्या है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अब हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अब आपको पता चला कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रिय छात्रों, अब आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से उसका अध्ययन करेंगे। हाँ जी, अब हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।